न्यूज से हटके मिलेगा कुछ खास, जुड़े रहिए हेलो इंडिया से और सब्सक्राइब करिए हेलो इंडिया को, क्योंकि सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह यादव और आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। स्वागत बा आपके हेलो इंडिया में। नमस्कार, आपके भी स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल बा रुआ से हमार कि रुआ गायकी के क्षेत्र में कब से बानी? देखिए, गायकी के क्षेत्र में तो अपन कंटिन्यू हमनी के बानी का 99-2000 से, बहुत बचपन से ही जब हमनी के रहनी जो 6-7 वर्ष के वो समय पे हमनी के क्षेत्र में गायकी करी जा गावत गावत, फिर हमनी के गुरुजन लोग के साथ में बहुत ज्यादा ज्यादा स्टेज शो कर के अभी तक गावते बा आदमी। फिर 2013 में महुआ फेम के सिंगिंग मिलल सुर संग्राम जिला टॉप, फिर बिग गंगा पे सारे गमा पाक रहनी, उन्हें पर फाइनलिस्ट बनी, बहुत सारा रियलिटी शो कहनी, ओकरा बाद आके थोड़ा और हम फेमस बनी और कुछ और हमके लोग जाने लागल। इन गायकी के जौन रुचि बा तो बहुत बचपने से बा, लेकिन 11-12 से हमारा के लोग जाने लगे रहे और उस समय पाछा हम शो करे लगे रहे। अपन सबसे प्रसिद्ध गीत सुनाई? प्रसिद्ध गीत रुआ महुआ चैनल के सुनाओ तने जो कि हम गौले रहनी, अरे भेजल करी पतिया घरवा, भेजल कर पतिया घरवा, कहे अवरतिया हो कल कतिया बालम, अरे कह तानी मानी जई पतिया एहो कलकतिया बालम। इस तरीका से गीत जो फोक है, फोक विधा भोजपुरी के सबसे फोक विधा है, फोक हमनी के गांव नहीं जाते, एक बल के माहौल हो जाला होकर। बहुत अच्छा लागल कि रोवा भी हमनी के पारंपरिक जो गीत बा ओकरा के प्रस्तुत कही, पारंपरिक चीज जो हमनी के छोड़ रहा बनी जाए ओकरा के भी रोवा जीवित रखे के कोशिश करा तानी, बहुत अच्छा लागल हमरा के। अगला सवाल रहा से बा कि अभी सावन के महीना बा और एमे रोवा का कही? देखिए, सावन के महीना बा अभी हमारे बाबा के लिखल गीत आई बा, फिर रंजन अलबेला जी हमारे जी राइटर बनी, बहुत सारा गीत का आशीर्वाद प्यार वहाँ के मिले हमारे गांव के बनी, तमाम लोग के बहुत लोग के गाना दिल, लेकिन उनमें विशेष स्थान बा हमारा साथ है रंजन जी के। तो गंगा चैनल पर भी फिलहाल में हमारा आ रहा बटे 8 बजे से अपर से लाइव शो हमारा अजीत आनंद जी, रितेश जी के और तमाम सिंगर बन इनकर हमने के 8 बजे सुबह से आ रहा होगा। बाद हमने के टी सीरीज से एगो हमर गीत रिलीज भैया मुनिया पढ़ने लगी और पब्लिक के प्यार दुलार बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैंने अभी फिर एक दो गीत हमारे सीआईसी पिक्चर से आवे लगे और आगे शो वगैरह करते बाद तो ये सब चल रहा बटे। अच्छा, आगे के कार वा प्लान कैले बने? आगे भोजपुरी खातिर ये प्लान कैले बाद में कि भोजपुरी के जितना ट्रेडिशनल चीज बा, जितना माटी के जो की वो लुप्त होत रहा बटे, आज के गायक लोग वो चीज के नहीं लोग गा पाओ, क्यों जानतो बा तो वो चीज के नहीं गाओ, आज के माहौल और ऐसा युग के विडम्बना हो गई बात। तो सबसे पहले हम चाहब कि आवे वाला समय में भोजपुरी के जितना पुरानका विधा बा एक बार फिर नया सिरे से ओकरा के देखे स्टार्ट कर जाओ, ओकरा के स्टार्ट कर जाओ, पब्लिक के सामने परोसल जाओ और ओकरा बाद देखल जाए कि एकरा में का बा, कहें से जे भी बा गौले बा वो पुराना चीज ही लेके नया बना के ओकरा के गौले बा। और हम ही चाहते नहीं कि पुराना चीज में भी हमने ऐसा ऐसा अभी माटी के धुन बा जो उनके ओकरा के गौला से दिल खुश हो जाए और सुन के बहुत दिल के आत्मा के सुकून आवे, तो ऊपर प्लानिंग रहे कुछ अपना चीज पर ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद विकास तिवारी जी। न्यूज से हटके मिलेगा कुछ खास, जुड़े रहिए हेलो इंडिया से और सब्सक्राइब करिए हेलो इंडिया को, क्योंकि सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री।